हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और मैं रेखा अग्रवाल। आज मैं आपको मुल्तानी मिट्टी का एक बहुत ही इफेक्टिव साबुन बनाना सिखाऊंगी। चेहरे पे साबुन और फेस वॉश ना लगाकर हम इससे अपना चेहरा धो सकते हैं, या कहीं भी हमारे हाथों पे, अंडर आर्म्स में या डार्क सर्कल वगैरह हैं तो उस पर भी हम इसको लगाकर 2 मिनट मसाज करेंगे। धीरे धीरे 15-20 दिनों में हमारे सारे दाग धब्बे हट जाएंगे। इसमें नींबू है जो स्किन को गोरा कर देगा, दाग धब्बे हटा देगा। इसमें एलोवेरा है जो स्किन को ग्लोविंग और स्मूथ करता है। इसके रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। हम अपने घर में भी इसे बहुत ही सालों से यूज करते आ रहे हैं, तो आप भी इसे अपने घर पर एक बार बनाकर जरूर देखना, क्योंकि ये बहुत महंगी भी नहीं है। सिर्फ 2-3 रुपये में आपकी बार बन जाएगी, तो आप इसको बनाकर तो देख ही सकते हैं। और ये हर्बल है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। तो आज हम ड्राई स्किन के लिए मुल्तानी मिट्टी बार बनाएंगे, तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कैसे बनाते हैं मुल्तानी मिट्टी बार। तो हम मुल्तानी मिट्टी का बार बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये एलोवेरा लीव से एलोवेरा का पल्प निकाल लिया है और इसको मिक्सी में पीस लिया है, बिल्कुल बारीक कर लिया है। ये 2 चम्मच ले लेंगे। 2 चम्मच हम गुलाब जल डाल लेंगे। ये आधा नींबू का रस डाल लेंगे। इसमें हम 2-3 चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर डाल लेंगे। पहले 2 चम्मच डाल लेंगे। ये मुल्तानी मिट्टी का पाउडर मिलता है बाज़ार में, ये साबुत मुल्तानी मिट्टी भी मिलती है, तो इसको हम घर ला कर पीस सकते हैं, वो थोड़ी और सस्ती पड़ जाती है। और ये पूरा पैक मुझे 20 रुपीज़ में मार्केट में मिल गया है। इसको अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये हम ड्राई स्किन के लिए बना रहे हैं, तो इसमें 1/2 चम्मच नारियल का तेल डाल देंगे, या बादाम का तेल भी डाल सकते हैं, ओलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच नारियल का तेल डाल देंगे। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हाथों में पानी लगा लेंगे थोड़ा सा, ऐसे हाथों से दबाकर इसको आटे की तरह गूंथ लेंगे। ये पानी लगाकर साइडों में इसको चिकना कर लेंगे, दोनों तरफ पानी लगा देंगे, एजेस को भी हम बराबर कर लेंगे। ये देखिए बार हमारा बनकर तैयार हो गया। अब इसको सुखा लेंगे। सूखने के बाद मैं बताती हूँ आपको आगे की वीडियो। ये हमने मुल्तानी मिट्टी की बार बनाई थी, इसमें हमने एलोवेरा और नींबू का रस डाला था, और ये बनकर हमारी तैयार हो गई हैं। और अब इसको लगाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसको लगाने का तरीका मैं बताती हूँ। इसको थोड़ा हम पानी से गीला कर लेंगे और हाथ पर या चेहरे पे कहीं भी इसी तरह से लगाएंगे। कहीं पे भी दाग है तो इसको हम 2 मिनट के लिए लगाएंगे। ऐसे ही हम फेस पर लगा कर मसाज करेंगे, जैसे कि फेस वॉश से मसाज करते हैं 1 मिनट के लिए, और फिर चेहरे को पानी से धो देंगे, जैसे कि मैं हाथ पे लगा के दिखा रही हूँ आपको इसी तरह से। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा निखार आता है इसको लगाने से। इससे हमारी स्किन गोरी हो जाती है एकदम। इसको मैं डेली यूज करती हूँ, आप भी इसे अपने घर पर बनाकर जरूर रखिए और इसको आप यूज कीजिए। ये देखिए इस तरह से जिप लॉक पाउच आता है, जो इसमें हम इसको उठा के भी रख सकते हैं और अपने बैग में रख कर कहीं भी ले जा सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होती है बिल्कुल भी, और इससे दाग धब्बे सब हट जाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल के बटन को दबा दें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।